लॉकडाउन कर दिया है और लॉकडाउन का 10वां दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता का पूर्ण रूप से समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। केन्यू संवाददाता ने खास बातचीत की। आज देश में लॉकडाउन का 10वां दिन है, यानी कि लॉकडाउन का धीरे धीरे जो दिन है वो अब करीब हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लागू किया गया था और आज 3 अप्रैल हो चुका है। ऐसे में हम बात करेंगे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। तो उससे पहले हम बता दें आपको कि इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के पहाड़िया मंडी में, जहां आप देख पा रहे हैं नवीन मंडी है, यानी शहर की ये सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। यहां पर फल फूल सब्जियां सभी चीज़ें यहां मिलती हैं। अगर लॉकडाउन के पहले की यहां की बात की जाए, तो लॉकडाउन के पहले यहां पर जो है कि हमेशा भारी संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लोग सुबह से लेकर शाम तक यहां पर आया जाया करते थे, लेकिन अब यहां पर लॉकडाउन के बाद यहां की पूरी तरह से बदल चुकी है। मंडी के खुलने का भी समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है, सुबह 6 से 10 बजे तक की मंडी खुलेगी, लेकिन सामान और खरीदारी वही कर पाएंगे जो थोक विक्रेता है, फुटकर विक्रेता जो थे वो यहाँ पर उनकी रोक लगा दी गई ताकि भीड़ ना बढ़े। तो बता दें कि पहाड़िया मंडी पर आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी भी तैनात है और जो भी व्यक्ति उन्हें भी रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यदि कोई अनावश्यक इसमें आ रहा तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन काशी की जनता की अगर बात करें तो काशी की जनता अब लगातार लॉकडाउन का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। लॉकडाउन लागू होने के बाद जिस तरह से दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या सड़कों पर दिखती थी, वो अब धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटे में तब्दील हो गई है। जो यानी कि जो काशी की जनता है वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार शासन प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि लोग अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है कोरोना वायरस को मात देने का, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी है जो देश विदेश से बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन अब जो काशी की जनता है वो पूर्ण रूप से इसका समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। 14 अप्रैल तो लॉकडाउन समाप्त हो सकता है अगर ऐसी स्थिति देश में बनी रही तो। वाराणसी से के न्यूज़ के लिए मोहम्मद क्या